बनी बाबा धाम आश्रम में पहुंचे श्रद्धालु उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला के द्वारा किया गया बालक वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन। आश्रम में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रमदानियों के द्वारा कराया गया भोजन। आपको बता दें कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मोनी बाबा धाम आश्रम में लगे मेले में पहुंचे श्रद्धालु। यहां सुरक्षा की दृष्टि से बबेरू कोतवाली सहित जिले के कई थानों का पुलिस बल भी तैनात रहा। आश्रम परिसर पर चल रहे वॉलीबॉल कबड्डी प्रतियोगिता का बबेरू उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला ने उद्घाटन किया। आश्रम में लगे हुए मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत भी पहुंचे। वहीं एक संत ने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते विगत वर्षों की भांति यह उपवन खाली सा है। नवभारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदू चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दोनों पीछे नज रहे हैं, कैम कर रहे हैं मलिंगा जो देवर आकर्षित कर रहे हैं। गंगा मुनि नाम है। गंगा मुनि जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जब से ये भंडारा चालू हुआ तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको आए? अभी तो मैं आज ही आया। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे आज? आज बस यहाँ उधर समागम हो रहा है, इधर यहाँ संत बैठे हुए हैं, लेकिन इन साल मधुबन बहुत कम भरा हुआ है। कोरोना को देखते हुए मतलब भीड़ नहीं आ रही है? समझ में यही आ रहा है। कब तक चलेगा स्वामी जी भंडारा? आज कल परसों, 3 दिन का है। 3 दिन। कृष्णानंद जी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो पहले मरते बार आए बेटा। अच्छा, क्या हो रहा है तो आप आए हैं यहाँ पे? यहाँ भंडारा हो रहा है। अच्छा, भंडारे पे आए हैं? भंडारे पे आए। अच्छा, कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ? यहाँ भंडारा पे हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएंगे बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको यहाँ पे? नहीं।